से उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते। सही बात, कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना उनसे सीखने अपने और नेबर कंट्रीज हैं, चाइना है, इंडिया है, और अपनी मुखालफत को एक साइड पर रख के हमें उनसे सीखना ये चाहिए कि यार देखिए कि वो भी हमारे साथ आजाद हुए थे। वो सर हम तो अपने जितने भी मिसाल है ऐसे लोग हैं जो नोच नोच के इसको खा रहे हैं, वो खुद ठीक है और दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। वो पहले नंबर में है यार। नहीं सर, हम क्या, हम तो थोड़ी कैटेगरी डिफरेंट है ना। क्या कैटेगरी? हम करप्शन में, लूट मार में, मतलब इस तरह की हर तुम, हम पहले नंबर पे हैं। आप सर्च करें, आज आप सर्च करें कि मोस्ट करप्ट इंसान कौन होगा, हमारे मुल्क का जो सबक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, आपको नहीं पता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल सर क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। वसीम सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। सर हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ के स्टूडेंट। लॉ के स्टूडेंट। सर बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने उस वीडियो से ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा है। सही है जी सर। ये वीडियो है सर, ये मुझे लग रहा है कि जैसे दुबई लग रहा है। दुबई लग रहा है? नहीं सर दुबई नहीं है। दुबई नहीं है तो दुबई का खाता खत्म। अब अगला नेक्स्ट सोचे। नेक्स्ट नेक्स्ट आई थिंक इतनी डेवलपमेंट कहाँ हो सकती है, जिस तरह की बड़े बड़ी बिल्डिंगे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे कहाँ पे हो सकता है? सिंगापुर? सिंगापुर नहीं सर, सिंगापुर नहीं है, ये आपके आसपास एशिया में है। एशिया में है? एशिया में फिर तो जो सबसे जिसे हम लाइक करते हैं वो तो लाहौर ही है। लाहौर है? पाकिस्तान में लाहौर कह रहे हैं? नहीं नहीं पाकिस्तानी नहीं है ये, आपका नेबर कंट्री इंडिया है। वाकई? वाकई बड़ी बात है यार, ये सोच में पड़ गए होंगे कि इंडिया ऐसे। जी बिल्कुल, इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। हाँ मैं ये सोच रहा था कि हम भी उनके साथ ही साथ हुए हैं और वो कहाँ पे पहुँच गए और हम कहाँ पे हैं। हम कहाँ यार, ये अमेरिका तो नहीं है? अमेरिका नहीं सर। जापान? जापान नहीं सर। कनाडा? नहीं सर। ये आपका नेबर कंट्री इंडिया। वाकई? वाकई ज़बरदस्त यार, बहुत तरक्की की है। बहुत तरक्की की है सर। इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए दुनिया के वो पांचवें नंबर पे आ चुके हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें दुनिया में, अगर पाकिस्तान के इस टाइम क्या हालात देख रहे हैं ओवरऑल देखा जाए, हम भी पहले नंबर पे हैं यार। नहीं सर, हम क्या, हम तो थोड़ी कैटेगरी डिफरेंट है ना। क्या कैटेगरी? हम करप्शन में, लूट मार में, मतलब इस तरह की हर तुम, हम पहले नंबर पे हैं। आप सर्च करें, आज आप सर्च करें कि मोस्ट करप्ट इंसान कौन होगा, हमारे मुल्क का जो सबक प्राइम मिनिस्टर रहेगा, आपको नहीं पता? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग करप्शन में हमेशा बुरे कामों में हम आगे हैं। ऐसा ही है। और अगर हम अपना नेबर कंट्री बांग्लादेश, इंडिया की बात करें, जिस तरह से वो ग्रो कर चुके हैं, एक लम्हा फिक्री है हमारे लिए, कुछ सीखना चाहिए अपने नेबर कंट्री से। हमारे लिए लम्हा फिक्री तो है, लेकिन उन बेगैरतों और बेशर्मों के लिए जो हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं उनके लिए लम्हा फिक्री है। ठीक है, उन्होंने अपने लिए तो सोच लिया, मुल्क के लिए कुछ नहीं सोचा और उनका मुस्तकबिल अब कोई अच्छा नहीं रहेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। अच्छा लास्ट पे हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे, नेबर कंट्री 47 के बाद इस तरह से तेजी से ग्रो कर गया है कि 75 सालों में अपने आप को बहुत आगे ले जा चुका है। और जो हमसे टूट के गया था अब उसको देख लें, बांग्लादेश को देख लें, हम उसको 2% का कहते थे, आज वो हमें जो है ना ताने दे रहा है। वो टका उनका हमसे मजबूत हो गया, हमसे मजबूत हो गया है, जिसको हम मिसाल दिया करते आज 1% 2 रुपए के बराबर हो गया है। ऐसे ही है सर, ये सूरत हाल है ना, बड़े अफसोसनाक बात है। जज्बात इतना है ना कि मैं कहूँगा तो आग लग जाएगी। ये जो बेशरम और बेहया लोग हमारे हुक्म सर पर मुसल्लत हुए हैं ना, गरीब आवाम रुल रही है और इन बेशर्मों को शर्म हया ही नहीं है, छोड़ने के लिए कुर्सी के ऐसे चिपटे हुए हैं। यही कहूँगा कि कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं जाते, कुछ कर नहीं सकते तो। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या वजह है अगर वो लोग इकोनॉमिकली तौर पे देखा जाए, आईटी सेक्टर वाइज देखा जाए, एजुकेशन सेक्टर वाइज देखा जाए, ओवरऑल अगर दुनिया में देखा जाए इंडिया का असर रसूख सबसे ज़्यादा है, रिलेशन देखा जाए बाहर के ममालिक में इंडिया के आपके अच्छे नज़र आएंगे बनिस्बत पाकिस्तान के, पाकिस्तान कहाँ नज़र आ रहा है? सर पाकिस्तान तो आपके सामने खड़ा है कि देखिए आप कितनी यहाँ पे तो अंदरूनी मामला इतने हल हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और ये हम
कह लें कि वो तरक्की की तरफ या गामजन ही नहीं हो रहे, तो ये उन्होंने क्या करना है, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े नहीं खत्म हो रहे। बिल्कुल सही बात है। इंडिया ये है कि उनकी एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, वो अपनी हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं। उनकी क्रिकेट को देख लें, उनके वो जो उनकी फिल्में देख लें, फॉरेन मिनिस्टर उनका देख लें, ओवरऑल उनके रिलेशन देख लें, बाहर के ममालिक के साथ इंडस्ट्री देख लें, जी जी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बट ये हम उनसे उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते, हम कम्पीट नहीं कर सकते। सही बात, कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना उनसे चाहिए, सीख लें। अपने और नेबर कंट्रीज हैं, चाइना है, इंडिया है, और अपनी मुखालफत को एक साइड पर रख के हमें उनसे सीखना ये चाहिए कि यार देखिए कि वो भी हमारे साथ आजाद हुए थे, वो सर हम तो अपने नेबर कंट्री के साथ ट्रेड ही नहीं करते। ये बात है, सही बात है, क्योंकि हमें वो कह लेंगे वो ऐसे लीडर नहीं मिले जो हमें आगे लेके जाएं। ठीक है, जबरदस्त, यानी तीनों ही लाग स्टूडेंट है। आज बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है, एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा है। ये देखिएगा, ये इंडिया लग रहा है, इंडिया लग रहा है। बहुत इजी गेस कर लिया। कैसे गेस कर लिया? ये रिसर्च करता रहता हूँ ना मैं, पढ़ता रहता हूँ काफ़ी, देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या निज़ाम है। आपने बहुत इजी से गेस कर लिया, आप भी इंडिया ही लगता है आपको? हाँ है, तो कोई साउथ एशिया में से, इंडिया या बांग्लादेश? नहीं नहीं, इंडिया ही है यकीनन, आपको जाहिर बात है आप इंडिया ही कहेंगे। मुत्तफिका हो गया, इंडिया है तो इंडिया, इंडिया ही है। अच्छा जी, इंडिया का सिटी आपने देख लिया है, बात कीजिएगा ये इंडियन है, इंडिया का सिटी कौन सा है? ये इंडिया का सिटी मुंबई हो सकता है। मुंबई हो सकता है, ये दिल्ली है। दिल्ली है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तीनों गलत हो सकते हैं, मे बी। हाँ, ये है गुजरात। वेरी गुड। ये मोदी जिसमें सीएम रहा है जी, उसमें मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ सर, ये तो आपको एक सिटी दिखाने का एक छोटा सा रिव्यू था। बात करते हैं कि ओवरऑल इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन, और हम अपने नेबर कंट्री इंडिया और या बांग्लादेश की बात करें तो उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है। हम कहाँ इस टाइम स्टैंड कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? एक तल्ख हकीकत ये है कि हमें कहा तो जाता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिव मुल्क है, लेकिन ये डेमोक्रेटिव नहीं है। यहाँ पे जागीरदारों का वडेरों का सरदारों का और जो फ्यूडल लॉर्ड्स ही हो गए जागीरदार, बिजनेसमैन जो हैं, और ये जो जितने भी मिसाल है ऐसे लोग हैं जो नोच नोच के इसको खा रहे हैं, वो ख़ुद ठीक हैं और दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। वो Allah 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 Allah